नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर, और आप देख रहे हैं होम गार्डन। जी हाँ, और सामने है गुलदाउदी, क्रिसैंथेमम। और फ्रेंड्स, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है कि गुलदाउदी से सुंदर फूल कैसे प्राप्त करें। आपने पहले इस पॉट को देखा था, तो अब ये फ्लावर भी धीमे धीमे अब सूखने लगे हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसा ही बताने जा रहा हूँ कि जब ये फूल सूखने लगे तो हमें क्या करना है, कि जब दोबारा से इन पर फूल आए तो बहुत अच्छे आए। आप देख सकते हैं ये फ्लावर्स सब मुरझाने लगे हैं और ये सूख भी गए, और इन पर जो बड़ आ रहे हैं वो आपको मैं दिखाऊं। ये देखिए, ये भी अब इतने अच्छे नहीं होंगे, तो आज हम इनको प्यूरिंग करेंगे। और जो कटिंग करने का तरीका है वो कोई ख़ास नहीं है, फिर भी मैं आपको उसे बता दूंगा। और कुछ फ्रेंड्स की क्वेरी थी, क्या कटिंग हम लगा सकते हैं? तो बिल्कुल, गुलदाउदी की कटिंग मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम क्रिसैंथेमम को बड़े आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ छोटे छोटे गुलदाउदी के नए प्लांट निकल रहे हैं, और इन पर भी अच्छी फ्लावरिंग आएगी। लेकिन इन पर अच्छी फ्लावरिंग तब आएगी जब हम ऊपर के इन ब्रांच को काट देंगे। तो चलिए, काटने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊं कि ये देखिए कुछ नए बड निकल रहे हैं। आप इनके चक्कर में ना रहें कि ये अच्छे फ्लावर देंगे, बिल्कुल नहीं। आप अब इन्हें बिल्कुल यहाँ से, जहाँ से ये आपके नए ब्रांचेस निकल रहे हैं, वहाँ तक अपने प्लांट के ब्रांच को काट दीजिए सिकेटियर से, कैंची से या किसी से भी। और किसी भी ब्रांच को आप ना छोड़ें कि उस पर अभी फूल लगे हैं या नहीं लगे हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे फूल लेना चाहते हैं तो जब भी कटाई करें आप किसी भी प्लांट की, तो पूरे तरीके से करें। ये यहाँ पर एक नया ब्रांच निकल रहा है, इसलिए मैंने इसे छोड़ा है। तो अब इस प्लांट का क्या होगा कि जो ब्रांच निकल रही हैं उनकी बढ़ने की गति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ पत्तियां उन्हें भी तोड़ दें आप, ये देखिए। और हमारे पास ये सफ़ेद क्रिसैंथेमम के, गुलदावरी के कुछ ब्रांचेस हो गए, और इनकी हम कटिंग बना लेते हैं। फ्लावर्स की भी कटिंग लग जाती है, और उसके लिए आपको बस फ्लावर्स आप चाहें तो काट दें, नहीं चाहें तो मत काटें, क्योंकि फ्लावर्स अपने आप सूख जाएंगे। और कटिंग हमेशा 3 से 4 इंच की बनाएं दोस्तों। और जैसा मैंने पहले बताया कि कभी भी एक कटिंग ना लगाएं, कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। आपकी ज़रूरत अगर 10 ब्रांच की है तो 20 ब्रांच लगाएं, 5 ब्रांच की है तो 10 ब्रांच लगाएं। और मैं गुलदावरी की पत्तियां काटने की सलाह नहीं दूंगा यहाँ पर, क्योंकि इनकी जड़ें ग्रो होती हैं, तो पत्तियों से ये जल्दी फूट बनाएंगे, एनर्जी मिलेगी, और फिर आपका नया प्लांट जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक तो ये तरीका है कि हमारा जो पुराने पॉट हैं या गुलदावरी के पौधे हैं, और तो ओल्ड जो ब्रांच हैं उन्हें हम काट दें। ये अभी नई ब्रांच निकल रही है इसलिए से मैं छोड़ा है, ये देखिए। और जो पत्तियां हैं सूखी उनको भी आप साफ कर दीजिए ऐसे।
और इसके अलावा ये मिट्टी टाइट हो गई है, ऐसे आप एक पेचकस लीजिए, खुरपी लीजिए या अपना चाकू ले सकते हैं आप, और पौधे से थोड़ी थोड़ी दूर आप इसकी गुड़ाई कर दीजिए ऐसे। और इन दोनों प्लांटों में आपको 72 घंटे लगभग 2 दिन से ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है, पानी नहीं डालना है, वाटरिंग नहीं करनी है। इन्हें थोड़ा सूखने दें, लेकिन इतना भी नहीं कि ये बिल्कुल सूख जाएं। कोशिश करें ये ऊपर की जो मिट्टी है ये सफ़ेद पड़ जाए, नमी इसमें से बिल्कुल निकल जानी चाहिए। और उसके बाद इन दोनों प्लांटों में आप वाटरिंग करें, धीमी वाटरिंग करें, और फिर इन्हें आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं, चाहे धूप में रखें या छांव में। अभी तो इन्हें धूप में ही रखना है, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप ज़्यादा धूप में ना रखें, क्योंकि जो हम वाटरिंग रोकेंगे वो इसकी सतह को हम चाहते हैं कि सूरज की रोशनी इसकी जड़ों तक पहुँचे। ये एक प्रक्रिया है फसलों में, हम इसे मिर्च की खेती में यूज करते हैं, फ्लावरिंग के लिए करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ दिन रोकने के बाद पानी देते हैं तो फिर जो फ्लावर होते हैं उनमें एक साथ जान आ जाती है और पौधे बहुत अच्छी गति से ग्रो करते हैं। एक बेसिक इंडियन तरीका है भारतीय गांव का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो हमने कटिंग बना ली है, ये देखिए आप देख सकते हैं, और मैं इन्हें शिफ्ट करूँगा। मेरे पास ये एक मटका है टूटा हुआ, मैं इसमें कुछ वेजिटेबल उगाना चाह रहा था लेकिन ये टूट गया, तो चलिए आज हम इसमें अपने गुलदावरी की कटिंग ग्रो करते हैं। और ग्रो करने का तरीका बड़ा ही नॉर्मल है, ब्रांच को लीजिए और नीचे वाली ब्रांच को ऐसे 45 डिग्री पे काटिए प्रेशरली, आधे से ज़्यादा आप इसे सॉइल में दबा दें। ताकत से थोड़ा काम कर रहे हैं, आप चाहें तो गोबर खाद यूज कर सकते हैं, कोकोपीट यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी नदी की रेत रहती है सैंड, काली वाली, काली ना मिले तो आप नॉर्मल मिट्टी ले सकते हैं। ये नॉर्मल मिट्टी है, बस थोड़ी सी इसमें मैंने गोबर खाद मिलाई हुई है दोस्तों। जहाँ तक हो आप एक पॉट में एक ही कलर की गुलदावरी लगाने की कोशिश करें, अगर आप मिक्स चाहते हैं तो फिर आप मिक्स भी लगा सकते हैं। मैं देखिए इसमें कुछ सफ़ेद ये फ्लावर वाली भी गुलदावरी सेट किए देता हूँ, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल, और ये बिल्कुल लग जाएगी दोस्तों। मैंने पहले ऐसे ही इन्हें लगाता रहा हूँ, तो मेरा ये अनुभव है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें और ना ही ये सोचें कि ये नहीं लगेंगी, ये 100% ग्रो होनी है। और इसके बाद हमें इसमें वाटरिंग करनी है, हल्की वाटरिंग, पानी देना है। तो और रही बात इसे कहाँ रखें, तो कोई भी कटिंग लगाएं दोस्तों, कोई भी सीजन हो, जनरली उसे कम से कम 24 से 48 घंटे छाया में ही रखें। ये मेरा खुद का तजुर्बा है, अनुभव है। और उसके बाद आप चेक करें अपनी कटिंग को, वो अगर उसके पत्ते सही हो रहे हैं तो फिर आप उसे हल्के हल्के धूप में ले जाना शुरू करें। पहले 2 से 3 घंटे उसे धूप में रखें और फिर धीमे धीमे उसे पूरे दिन आप धूप में रख सकते हैं। बरसात के समय आप कोशिश करें कि जब भी आप कटिंग लगाएं तो उस पर सीधे बारिश ना पहुंचे, क्योंकि अगर सीधे बारिश गिरेगी तो आपकी ब्रांच खराब हो सकती है। पानी आप कैसे भी दे सकते हैं, और कटिंग में काफ़ी नमी रहनी चाहिए, सूखने ना पाए। अगर एक दिन भी आपकी ये कटिंग सूख गई
तो फिर आपकी प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करेंगी दोस्तों, और फिर आप परेशान होंगे। तो आपने देखा कि हमने प्यूरिंग की, गुलदावरी की, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये देखिए, ये नई कटिंग ही लगी है और फ्लावर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं इन पर। तो अभी भी थोड़ा समय है, आप कटिंग ग्रो करें, और ये कटिंग बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है, और जो प्यूरिंग है इसे 72 घंटे आपको पहले धूप में रखना है और उसके बाद इसमें वाटरिंग करें, क्योंकि लेकिन ये ध्यान रखें ये सूखने ना पाए। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ।